बात है भैया, क्या बात है भैया। हेलो, क्या बात भैया, क्या जबर डांस किए हैं। भाऊजी नमस्ते। क्या कर रहे हैं भैया? यार हम सिंगल हैं, इतने आप इतने लोगों की शादी कराई है भैया, हमारी काई नहीं कराई, हम भी तो सिंगल हैं। अबे तुम जैसे लड़कों की शादी नहीं, सिर्फ डिवोर्स होता है बे। भैया एक लड़की पसंद है वैसे हमें। लड़की पसंद है तुम्हें? लड़की पसंद है, इतनी हिम्मत, जिंदा लड़की वो तेरे को लड़का। भाई लड़की तेरे को पसंद करती कि नहीं करती है? भैया एक लड़की है, डिमांड है छोटी सी, वैसे ऐसी शक्ल पे डिमांड बनती नहीं है। मैं बताओ 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 भैया। भैया ऐसी शक्ल पे क्या डिमांड करूं मैं, मुझे कियारा भी चलेगी बाबा। किसके लिए चलेगी? इसको रिक्शा में लेके जाएगा बाबा? हाँ मेरा एक छोटा सा सवाल था, छोटा सवाल था। पहली बार बताओ, सुबह से कुछ खाए हो? नहीं भैया कुछ भी नहीं खाए हैं। और खाओगे? नहीं भैया पेट भर गया। हाँ जिस काम के लिए है वो कर लें। हाँ जल्दी बोल बे, क्या लड़की वड़की क्या बोल रहा था तू? मैं कह रहा था भैया एक लड़की पसंद है हमें। अबे यार, अबे ऐसे से लड़कों के वजह से भाई शब्द ना शुरू हुआ है। तुम भैया बनाने लायक हो, सैया बनाने लायक नहीं हो। तो कहे की लड़की? और सुन बे, ज्यादा फुटेज मत का। किसके लिए बुलाया इनको हमने यहाँ पे? मैं वही पूछने जा रहा था, इतनी बेइज्जती भौजी ने हमारी कर ली, जिस काम के लिए आए वो कर लें। अगर तेरी और बेइज्जती ना हो तो बेटर है, आई थिंक जिस काम के लिए आए वो कर ही लेते। गाइस शुड वी सी द सॉन्ग? यू गाइस वांट टू सी द सॉन्ग? गाइस आर यू गाइस रेडी टू सी द सॉन्ग? आई कांट हियर यू गाइस, तो बोल ना यार। चलो भैया गाना ना चला दो। एक मिनट गाइज, जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत अच्छा डांस किया है इस गाने में। कैसा लगा मेरा डांस गाइज? आप थी वहां पर? यू वर देयर इन स्पिरिट? आई वाज देयर। मैं शूटिंग चेक करने गई थी उस दिन, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। आप उस शहर में थी जब हम नाच रहे थे? हाँ मैं होटल में सो रही थी। प्रेगनेंस बाबा? हाँ इनकी प्रेगनेंस, गुड बाबू की प्रेगनेंस वाज देयर। तो बाबा इतने सवाल जो मैंने पूछे हैं, हाँ जी, आज मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। काहे बे? हमने बुलाए हुए हैं। अच्छा तो जिसके भैया सवाल हैं पूछ लें। और मैं आई वुड लाइक टू कॉल आवर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑन द स्टेज प्लीज, प्रशांत सर, चैलेंज इज ऑन। वी आर गोइंग टू टेक ओनली द फन क्वेश्चंस, नो बोरिंग क्वेश्चंस। बिल्कुल है ना, जिसका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा उसका जवाब पहले दिया जाएगा। पहले नंबर पे कौन है? हां जी, उनके हाथ खड़े हो। हां ब्लू कुर्ता। मेरा सवाल है, मेरा सवाल आप दोनों से, परिणीति सिद्धार्थ। हेलो मैम। हाय हाय। हेलो हाय। जो बिहार है, बिहार आप दोनों का नहीं है, आप बिहार को बिलोंग नहीं करते हैं, आप दिल्ली से आते हैं, हालांकि वहाँ भी हिंदी बोली जाती है और इस तरह की भाषा यूपी के रहने से आई है, लेकिन फिर भी जो डिक्शन पे और खासतौर पे बोली पर आप लोगों ने क्या काम किया, और कौन आपके साथ थे ट्रेनर जिन्होंने आपको ट्रेन किया? मैम हम एक्चुअली बहुत लकी थे कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उस एरिया से हैं, तो वो अपनी हमारे डायरेक्टर और राइटर ऑफ कोर्स उसी स्टेट से हैं, और जो हम यहाँ भाषा बोल रहे हैं उसको पटनैया कहते हैं, जो पटना की हिंदी बोलते हैं, जिसमें सबका मिक्स है, जितने आपके जैसे मैथिली भोजपुरी और मगही का मिक्स जो होता है, तो हमने वो एक्सेंट इस्तेमाल किया है क्योंकि हिंदी पिक्चर है। तो परी और हमने आई थिंक तकरीबन हम सब ने 2 महीना कम से कम उससे पहले इस सब की रिहर्सल करी, ट्रेनिंग ली। अजय जी हमारे डिक्शन कोच हैं, जो आज शायद यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है तो, और बाकी हमारे डायरेक्टर साहब जो स्टेट से हैं उन्होंने बहुत मदद करी, और परी ने एक्स्ट्रा मदद करी। जो इसमें परी ने बताया कि गलत क्या क्या है इसमें, इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए इसमें, जो आप लोग, क्योंकि मैं होटल में थी ना, मैं मेरे पास बहुत टाइम था। हाँ, परी होटल में थी। इसमें जो आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से लाउड हैं, तो उसे इतना नेचुरल वे में लाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? उसको क्या कहते हैं, एक्टिंग। तो ये हमारा काम है, हमने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, हमने जब कैरेक्टर्स देखे, इन्होंने जब हमें ब्रीफ दिया, जो राइटर्स आके बताया गया, चाहे शैलेश जी हो, प्रशांत हो, तो वही एक्साइटमेंट थी कि जो परी और हमने पहले नहीं किया उसको अच्छी तरह दर्शाना। इसमें बहुत मस्ती, काफ़ी लाउड पिक्चर है, उस स्टेट को बहुत ही
कलरफुल तरीके से दर्शाया इन्होंने, जिसमें लव स्टोरी भी है, जिसमें एक इशू भी है जो कहते हैं हम पकड़वा विवाह. तो काफी मेहनत हुई उसके लिए. रिहर्सल जो हम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग. आपने क्या क्या मेहनत करी परी जी? कई बार एक्चुअली हम लोग टेक्स दूसरी बार इसलिए करते थे क्योंकि हमने कुछ शायद सब कुछ सही किया बट कुछ सही बोला नहीं. तो मेनी टाइम्स प्रशांत यूज टू टेल अस कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन आपने गलत बोला. तो कई बार हम दोनों शॉर्टकट लेना चाहते थे और हम बोलते थे हम सर डबिंग में ठीक कर देंगे, बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं मुझे अभी सेट पे चाहिए. सो आई थिंक लैंग्वेज वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बट आई थिंक इट वॉज द रीजन वी साइन द फिल्म, क्योंकि ये वर्ल्ड हम दोनों ने नहीं किया है. ये ऐसा बोलना या इस तरह का लहजा, बहुत मजा आया एक्चुअली. एंड नॉट ओनली बोथ ऑफ अस, द होल कास्ट, सबको बहुत मजा आया ऐसे बात. हम ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही बात करते थे. हेलो सिद्धार्थ. हेलो, एक मिनट, वो माइक की वॉल्यूम्स बढ़ा दो गाइस. हेलो सिद्धार्थ, इधर. हाँ जी, किधर है आप? इधर. अच्छा, वहीं है सारा ग्रुप. म्यूजिक लॉन्च के लिए आप ये थिएटर क्यों चूज किया? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, तुम बताओ. नवरंग थिएटर क्यों? और माइक लेके बोलो. लेके आपकी आवाज नहीं आ रही है. म्यूजिक लॉन्च के लिए अब नवरंग क्यों चूज किया? ऐसा कुछ वजह है इनके पीछे? भोजपुर एक्चुअली. हाँ, भोजपुरी थिएटर है. बिल्कुल. हमें शूट भी किया बाबा. हमको ये लोकेशन फ्री में मिल गई. दो रीजंस है. एक तो ओ प्रोड्यूसर कह रहे नहीं नहीं पैसे दिए. नहीं नहीं, बजट की बातें मत खोलो अभी, तुम बाद में बात करेंगे. दो रीजंस है. एक तो हमने इस थिएटर में शूट किया है. बिल्कुल. तो ये थिएटर आपको पिक्चर में दिखेगा और ये आई थिंक इकलौता थिएटर है जो अंधेरी का भोजपुरी फिल्म है, यहीं पे चलती है. बिल्कुल, यहीं चलती है. उस तो यहाँ पे नहीं आते तो कहाँ जाते? प्रशांत जी मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी. आप बिहार से हैं. हाँ, और ये जो इस तरह की जो शादियां होती हैं. हाँ, वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है क्योंकि उसमें लड़की की भी जिंदगी दांव पर रहती है. बिल्कुल. एक बार सिर्फ शादी नहीं, बाद में उसको ससुराल भी जाना होता है. तो इस इशू को आपने सिर्फ कॉमेडी के वे में लिया है या उस पर एक कुछ सुलझा सॉल्यूशन भी दिया है जबरिया जोड़ी में? नहीं, इसको दिखाने का तरीका जो है हमारा मस्ती का है. हाँ. लेकिन उसमें हमने ये बात जरूर कही है कि ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता. तो ये बात आपको फिल्म में किस तरह से कहानी में आएगी वो फिल्म देख के आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. परिणीति हियर. Yes, sir. निधि, आपका पोस्टर में लुक देख के ऐसा लग रहा है कि एक और देसी गर्ल तैयार है और एक देसी गर्ल पहले ही धमाल मचा चुकी है. तो देख के ऐसा लगता है कि साथ में दोनों देसी गर्ल आती हैं तो कितना धमाल होता. तो कुछ इस बारे में बता सकती हैं आप? अब मैं क्या बोलूं? आई थिंक इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में एक ही देसी गर्ल हो सकती है. मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, बट हम दोनों आई थिंक बहुत देसी हैं इस फिल्म में. उतना ही कहूँगी. आई थिंक मैं कुछ और नहीं कह सकती बिकॉज देयर इज ओनली वन एंड ओनली द ओरिजिनल देसी गर्ल एंड नोबडी एल्स कैन टेक हर प्लेस. साथ में आने वाले अभी कभी फिल्म कुछ बात एक फिल्म में. ऑफ कोर्स अगर स्क्रिप्ट करेक्ट हो तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर. एंड अभी मैंने रिसेंटली बोला भी था इफ देयर इज एन एक्शन फिल्म, कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा है तो या वी वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर. वी हम लोग बहुत बात करते हैं कि कुछ साथ में करना चाहिए, बट इट शुड बी करेक्ट. जी, मैं लास्ट सवाल पूछूंगा आप दोनों से. सिद्धार्थ, आप दोनों से कि हम देखते हैं कि फिटनेस के मामले में लोग सेलिब्रिटीज को बहुत फॉलो करते हैं और रिसेंटली एक फिटनेस कंपनी ने सर्वे किया जिसमें एक पॉलिटिशियन जो है सब एक्टर्स को पीछे छोड़ गए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं. क्या कहेंगे इस पे? इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती. हमारे देश का लीडर इज सेटिंग द राइट एग्जाम्पल. एंड आपको और कोई आइडल की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट हैव टू लुक एट द मैन हिमसेल्फ. आप योगा करते हैं? नहीं करते. झूठ मत बोलो यार. ऐसा देखो, उनका काम आप प्रमोट कीजिए ना. फिर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. हम सबको मिलके फिटनेस जो योगा है, चाहे वो बाकी फिटनेस हो या एक्सरसाइज हो, स्पोर्ट्स हो, आई थिंक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं. हम बहुत ही खुश हैं और खुद भी फिट होने की कोशिश रहने की कोशिश करते हैं. तो बाबा मैंने भी शुरू कर दिया. हाँ, इसने भी शुरू कर दिया. इसका वजन 5 किलो ज्यादा था. पूरी पिक्चर में निकल गया. इंस्पायर्ड बाय बाबा. इतने थप्पड़ खाए इसने. हेलो परी और सिद्धार्थ. विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. हाय. हाय. आप ये इस गाने को अभी हम लोग देख के मतलब हर कोई पानी पानी हो गया. इतना जबरदस्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी दिया और स्क्रीन पर जब गाना हम लोगों ने देखा, परफॉर्मेंस अभी आपने अच्छा दिया.
मेरा सवाल ये था सिद्धार्थ और परी आप दोनों से कि देश में अभी पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और नीति आयोग ने कहा है कि 2030 तक अगर इसी तरीके से पानी की पानी लोग व्यर्थ में यूज करते रहेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से बचाया जाए, क्या आप लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए पानी? आई थिंक आज के दौर में एक बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया और आप जैसे लोग जो एक्चुअली इस बारे में यू आर स्प्रेडिंग द वर्ड, आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो जिन लोगों का उन सिटी से कोई नाता नहीं था उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ऐसा कुछ हो रहा है. एंड आई ऑलरेडी नो ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स हु आर ऑलरेडी डूइंग थिंग्स टू हेल्प देम आउट, क्योंकि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इस टाइम. सो इवन फ्रॉम बॉम्बे एंड इवन फ्रॉम दिल्ली आई नो ऑफ सर्टन ग्रुप्स एंड NGOs who have already started their efforts. So I am always there and said and all of us, we are always there to do whatever we can do. Hello? Yeah, of course, I think in the environment, को प्रिजर्व करना बहुत ही अच्छा मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और जितना हम कम करें उसके लिए उतना कम है और एज अ सोसाइटी वी हैव टू मेक चेंजेस. हमारी थॉट में चेंज होना चाहिए एंड होपफुली ये जितने भी सारे कैंपेन्स चल रहे हैं इससे अवेयरनेस बढ़े, आपके थ्रू अवेयरनेस बढ़े और हमें वो वक्त ना देखना पड़े कि जिस दिन हमें पानी की कमी पड़े. So I just want to ask that how different it is, like the characters and love story over there was very much urban and this is like very much massy. So I want to ask that what's the difference between then how it is cool for you guys, like you guys are working again. I personally am a big fan. The difference is तब परिणीति के बाल काले थे, अब इनके बाल yours also मेरे भी सिड के भी बाल, मेरे बाल लंबे थे अब मेरे बाल छोटे हैं, रंग आ गए. आपने खुद ही difference बोल दिया actually कि हम बहुत ही अर्बन दुनिया में आए थे और ये दुनिया एकदम अलग है. पर अगर हमारे रिश्ते की बात करें, हमारी जो एक किस्म की दोस्ती है या जिस बैकग्राउंड से हम दोनों आते हैं वो कॉमन है और वो शुरुआत से ही हमारा एक बॉन्ड रहा है. यू नो दैट बोथ ऑफ अस हैव कम फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, सिमिलर बैकग्राउंड्स, सिमिलर कल्चर्स एंड वी ऑलवेज बॉन्डेड ऑन दैट. बट यहाँ पे हमने उस सब को छोड़ के एक बहुत ही अलग किरदार पकड़े हैं जो प्रशांत जी ने डायरेक्ट किए हैं. तो आपको क्या लगता है कि हम कितने अलग हैं? जिससे इससे कोई सवाल पूछ रहे तो मैं पूछ लेता यार. बहुत ही ज्यादा अलग, बहुत ही ज्यादा अलग, बहुत ही ज्यादा. बोल सपाट कि अरे बोल सपाट. कैसा लगा भैया बता दीजिए. आल्सो गाइस हमें तो बहुत मजा आया, आप लोगों को मजा आ रहा है? आल्सो गाइस यू यार उनका माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ ना. आप ऐसे जोर से बोलो, जोर से. Okay guys, you said that your friendship, your we can see your friendship, but also during movie any funny incident which took place during the shooting of the movie which you guys like to share, any of those incidents? चुटकुले ये सुनाती है सेट पे भी, ये चुटकुला सुनाएंगे एक. अरे डोंट स्टार्ट जेमी. नहीं यू नो मैं सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या इवेंट्स में ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल लगता है और ये हमेशा पूछा जाता है कि प्लीज टेल अस अ फनी इंसिडेंट. बट ऑनेस्टली आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा बताया. आई थिंक द बिगेस्ट ट्रिविया अबाउट दिस फिल्म वॉज का आई थिंक हमने 100 degrees में ये शूटिंग करी है. इट वॉज सो हॉट कि वी लिटरली कुडंट ब्रीथ. लखनऊ में हमने अगस्त सेप्टेम्बर में शूट किया था एंड I mean, it was just insanely hot. But other than that, the shoot was. हमने पहली बार लिट्टी चोखा खाया. Oh. हाँ. जो परी जी ने एक सीन में खाना था. लेकिन मैंने शायद एक से ज़्यादा खाए हो. Maybe I'm not confirming. हाँ. जो लिट्टी चोखा की requirement थी, वो हमने कम दी थी शायद. It was a fun shoot, guys. In a nutshell. चलो quickly last, ma'am. हाय सिद्धार्थ एंड परिणीति. सो परिणीति, सिद्धार्थ को हमने देख लिया डांस करते हुए, लेकिन ऑब्वियसली आपके फैंस आपको भी इस तरीके से डांस करते देखना चाहेंगे. तो आप इस फिल्म में डांस करने वाली हैं या नहीं? ऐसे ये है वो शख्स जिससे ये सवाल पूछा जाए. अरे हमने इनको बहुत नचाया, बहुत देखेंगे, अभी बहुत कुछ आने वाला आगे. मैंने क्लासी में थोड़ा सा डांस किया. देखिए पिक्चर में क्या क्या करती है. नचवाती हूँ. सर आपने क्यों नहीं लिया इस गाने में परिणीति को, क्यों नहीं लिया? यस प्रशांत आंसर दिस क्वेश्चन. ये कहानी की जरूरत थी. उस कहानी में एक वक्त पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर था. तो वो एक कैरेक्टर अकेला नाच रहा था. दूसरे कैरेक्टर की कहानी अलग चलती है, उनका एक अलग इंट्रोडक्शन आता है. आई एम विद यू. आई एम आल्सो थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. मैम आप कुछ बोल रही हैं? अरे यार सॉरी बोलने ही नहीं देता. अरे मेरे को वहां से तू अपना प्रेस कॉन कर ले साइड में. सोलो कर ले काम. कर मेरे को ना यहाँ से पीछे पड़े हुए हैं, एक यहाँ से ये कुछ बोलते हैं फिर वहां से सवाल आ जाता है.
मेरे को बता दो, ये हमारे हल्ला जो पिक्चर में है। बाबा मेरी तारीफ करनी थी। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपके 50 रुपए आ जाएंगे आपके पास। थैंक यू बाबा, आपने इतनी मेहनत करी और मेरा पैसा बढ़ गया, पहले 25 थे। बिल्कुल, अब चलो बेटा निकलो यहाँ से, ज्यादा मत बोलो, चलो बाय बाय। Well, thank you so much, guys. Thank you. We will see you guys on 2nd of August. Yeah. Thank you so much, guys. Yeah, come.